Design a rectangular tank of size 6 meter into 5 meter, of height 4 meter, resting on a ground using approximate method of design. Use M25 grade of concrete and Fe415 grade of steel. Okay, so our first step is, pehla step hamara kya hai, design constant. ठीक है, डिज़ाइन कंस्टेंट में क्या क्या होना चाहिए. पहला मॉडुलर रेशियो एम, एम का फॉर्मूला क्या है, 280 डिवाइडेड बाय 3 इंटू सिग्मा सी वी सी. सिग्मा सी वी सी क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस इन बेंडिंग. सो 280 डिवाइडेड बाय 3 इंटू सिग्मा सी वी सी. उसके बाद एम के जे आर, ये हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस. सो इसका फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू सिग्मा सी वी सी इंटू के इंटू जे. सो के का फॉर्मूला क्या है, मॉडुलर रेशियो एम इंटू सिग्मा सी वी सी डिवाइडेड बाय सिग्मा एम इंटू सिग्मा सी वी सी प्लस सिग्मा एच टी. ठीक है, उसके बाद जे का फॉर्मूला क्या है, जे इक्वल टू 1 माइनस के बाय 3. तो ये हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, 280 डिवाइडेड बाय 3 इंटू सिग्मा सी वी सी. सिग्मा सी वी सी क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस इन बेंडिंग. ये कहाँ से मिलेगा, ये हमें IS कोड से मिलेगा. ठीक है, IS 3370 Part 2 टेबल नंबर 1 में मिलेगा, सॉरी टेबल नंबर 2 में मिलेगा. IS 3370 Part 2 टेबल नंबर 2 हियर. ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कंप्रेसिव स्ट्रेस, बेंडिंग और डायरेक्ट. ठीक है, एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस फॉर द प्लेन बार इन टेंशंस. इसमें क्या होता है, एवरेज बॉन्ड जो है ये हमारा प्लेन बार के लिए है और ये टेंशन में है. यदि कंप्रेशन में रखना है तो ये सेम वैल्यू 25% से इंक्रीज हो जाएगा. यदि वो डिफॉर्म्ड बार है तो 60% से इंक्रीज होगा. ठीक है, सो हमारा इधर सिग्मा सी वी सी इधर M25 के लिए सिग्मा सी वी सी इक्वल टू कितना, 8.5. सो 8.5 हम यहाँ से लेंगे, 280 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 8.5. सो वी गॉट वैल्यू 11. ओके, M हो गया. उसके बाद क्या फाइंड करना है, K इक्वल टू M इंटू सिग्मा सी वी सी डिवाइडेड बाय M इंटू सिग्मा सी वी सी प्लस सिग्मा एस टी. सो ये वैल्यू हम पुट करेंगे, हमारा एम इक्वल टू कितना, 11. 11 इंटू सिग्मा सी वी सी कितना, 8.5 इधर 8.5 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 8.5 प्लस 130. वो क्या, सिग्मा एस टी क्या है, सिग्मा एस टी है परमिसिबल स्ट्रेस और ये टेबल नंबर 4 में मिलेगा. सेम IS कोड 3370 टेबल नंबर 4 में मिलेगा. ठीक है, टेबल नंबर 4, टेंजाइल स्ट्रेस इन मेंबर अंडर डायरेक्ट टेंशन बेंडिंग एंड शियर्स फॉर द हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार कितना है, 30. ये वाला स्टील हम यूज करते हैं, 130. सो हमने वैल्यू पुट किया, हमारा के इक्वल टू कितना, 0.42. अब जे फाइंड करना है, जे इक्वल टू 1 माइनस के डिवाइडेड बाय 3. 1 माइनस के 0.42 डिवाइडेड बाय 3, वी गॉट जे इक्वल टू 0.86. नाउ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ आर, आर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू सिग्मा सी वी सी इंटू के इंटू जे. 1/2 इंटू सिग्मा सी वी सी कितना, 8.5 फ्रॉम द टेबल, 0.42 के वैल्यू ये वाला और जे वैल्यू ये वाला. ठीक है, सो फाइनली आर इक्वल टू 1.53. अब हमें नेक्स्ट आइडेंटिफाई करना है कि वो टैंक का जो हमने डायमेंशन लिए थे वो कंडीशन नंबर 1 को फॉलो करता है या कंडीशन नंबर 2 को. सो लेंथ डिवाइड बाय विड्थ L/B रेशियो कितना रहा है, 1.2 विच इज लेस देन 2. सो कंडीशन नंबर 1. ठीक है, तो कंडीशन नंबर 1 है तो इसमें क्या है, लॉन्ग वॉल इक्वल टू क्या हो गया, लॉन्ग वॉल में स्मॉल हेच इक्वल टू कैपिटल हेच डिवाइडेड 4. ठीक है, और 1 मीटर यहाँ तक क्या होगा, कैंटिलेवर एक्शन होगा.
और कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच ये क्या होगा, कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन होगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, ये यहाँ पे ट्रायंगुलर लोड होगा, ठीक है, एच बाई फोर, कैपिटल एच कितना है 4 मीटर डिवाइडेड बाई फोर, 4 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 1 मीटर आ जाएगा। तो स्मॉल एच यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है 1 मीटर, यहाँ तक कैंटिलीवर एक्शन होगा और इसके ऊपर में कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन होगा। दिस इज़ फॉर द लॉन्ग वॉल एंड फॉर द शॉर्ट वॉल दैट इज़ अ कम्प्लीटली कैंटिलीवर एक्शन। ठीक है, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए, अब डिज़ाइन कैसा करना है वो पता चल गया। नेक्स्ट, फाइंडिंग द प्रेशर एट हाइट हेच इक्वल टू गामा इंटू हेच माइनस हेच, कैपिटल हेच माइनस स्मॉल हेच, सो वी आर गेटिंग दैट इज अ यूनिट वेट ऑफ द वाटर 10 kN, ओके, 10 kN/m, 10 × 4 − 1, सो यू गॉट 10 × 3, 30 kN/m। यहाँ पे जो प्रेशर है कैपिटल हेच माइनस हेच, ये कितना हाइट है, कहाँ तक के लिए हाइट है, ये वाला कंटिन्यूस फ्रेम के लिए, ठीक है, कैपिटल हेच माइनस स्मॉल एच, कैपिटल हेच माइनस स्मॉल एच इक्वल टू दिस मच ऑफ हाइट। ठीक है, यहाँ पे कौन सा एक्शन होता है, कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन, सो वी आर डिजाइनिंग फॉर द कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन फर्स्ट। यहाँ पे देखिए प्रेशर कितना है, प्रेशर 30 kN/m², सो फिक्स्ड एंड मोमेंट ड्यू टू दिस प्रेशर, फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड एंड मोमेंट पी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 और माइनस पी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, ओके, दिस इज लेंथ दिस इज विड्थ, सो अलोंग शॉर्ट वॉल पी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 30, दिस इज दिस प्रेशर 30 इंटू दिस इज द विड्थ ऑफ द वॉल 5² / 12, वी गॉट वैल्यू 62.5। नाउ अलोंग द लॉन्ग वॉल पी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, 30 × 6² / 12, गॉट 90 kN/m, दिस इज अ मोमेंट, ओके, फिक्स्ड इन मोमेंट। नाउ नेक्स्ट स्टेप, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड्स, सॉरी दैट अ मोमेंट्स, अब क्या करना है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, सो दिस मोमेंट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शंस ऑफ द स्टिफनेस ऑफ द वॉल यूजिंग द मेथड ऑफ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशंस, ओके, सो स्टिफनेस ऑफ शॉर्ट वॉल इक्वल टू 4EI/5, दैट इज द विड्थ ऑफ द वॉल, सो 4EI/5, 4/5 जब करोगे तो 0.8 होगा और EI सेम ऐसा ही यहाँ पे कैलकुलेशन करके इतना वैल्यू आएगा, सो टोटल जॉइंट ऑफ द स्टीपनेस, ये दोनों जॉइंट करोगे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ऐड करने के बाद विल गेट 1.46 EI, ठीक है, टोटल हमारा इतना है। अब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मोमेंट को, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर द शॉर्ट वॉल के लिए 0.8 EI डिवाइडेड बाई टोटल 1.46, वी गॉट 0.548, ओके, सेम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर द लॉन्ग वॉल इक्वल टू 0.66 EI डिवाइडेड बाई 1.46 EI टोटल, सो यू गॉट वैल्यू 0.452, ठीक है, 0.452 शॉर्ट वॉल के लिए कितने, 0.548, लॉन्ग वॉल के लिए 0.452। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फॉर द शॉर्ट वॉल, फॉर द लॉन्ग वॉल, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना है 0.548, फॉर द लॉन्ग वॉल 0.452, सो जस्ट ये उल्टा ऐसा हो जाएगा, ओके, फॉर द शॉर्ट वॉल इस तरफ देखेंगे तो 0.452 इधर इंटू 90 − 62.5, ये क्या है, ये सब 62.5 90 जो हमने यहाँ पे फाइंड किए थे, फिक्स्ड इन मोमेंट जो हमने यहाँ पे फाइंड किए थे अलोंग द शॉर्ट वॉल 62.5 एंड अलोंग द लॉन्ग वॉल 90 kN/m, ओके, सो ये वाला मोमेंट है जो हमने यहाँ पे रखे हैं,
एक तरफ माइनस होते हैं। सो 0.452 इंटू 90 माइनस 62.5 इतना हो गया। सेम ये वाला इस तरफ आ जाएगा 0.548 इंटू सेम ये वाला 90 माइनस 62.5 इतना आ गया। तो इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.43 माइनस 12.43 और माइनस 15। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये वैल्यू और ये वैल्यू के साथ ऐड करना है। जब माइनस 62.5 ऐड करोगे प्लस और माइनस माइनस 12.43 तुम्हारा वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 75 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, और यह वाला 90 माइनस 15 माइनस 15 प्लस 90 75। कभी भी डिस्ट्रीब्यूट जब करते हैं तो हमको दोनों वैल्यू सेम आना चाहिए। ठीक है, जब सेम आ जाए तो समझ लो ठीक है हमारा कैलकुलेशन। नाउ डिजाइन मोमेंट एट द कॉर्नर ऑफ वॉल कितना हमारा आ गया 75 किलो न्यूटन मीटर। ये नेक्स्ट स्टेप क्या है, इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड। इफेक्टिव डेप्थ कितना हमको मिनिमम कितना होना चाहिए डेप्थ हमारा इफेक्टिव। ये फॉर्मूला है m डिवाइडेड बाय r इंटू बी। m ये हमारा मोमेंट है, मोमेंट ये किलो न्यूटन इंटू मीटर है, इसको हमने कन्वर्ट किया है न्यूटन mm में। सो 10^6 डिवाइडेड बाय 1.53 इंटू 1000। 1000 क्या है, बी विड्थ 1 मीटर ने हमने कंसिडर किया और 1.53 आर जो हमने यहाँ पे फाइंड किए थे ये वाला वैल्यू 1.53। गॉट द इफेक्टिव डेप्थ मिनिमम कितना है 222 एम एम मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम हमारा इफेक्टिव डेप्थ कितना होना चाहिए, टू हंड्रेड ट्वेंटी टू मिनिमम हमारा होना चाहिए। हमने अडॉप्ट कितना किया 300 एम एम अडॉप्ट किया है। ठीक है, और 40 एम एम कवर एज्यूम किया है। सो 300 माइनस 40 इक्वल टू 260 एम एम हैंस ओके। ठीक है, मतलब डिजाइन कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 75 किलो न्यूटन इंटू मीटर ये जो हमने मोमेंट फाइंड किया था वो फिक्स एंड मोमेंट कॉर्नर के लिए था। ठीक है, अब वो लॉन्ग वॉल का सेंटर में हमको बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है। सो बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर ऑफ द लॉन्ग वॉल, दिस इज द फॉर्मूला P इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 माइनस एंड मोमेंट। सो P हमारा कितना है 30 इंटू एल कितना है 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 माइनस एंड मोमेंट कितना है 75। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे कितना आता है 18.75 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ओके सॉरी वी गॉट द वैल्यू 60 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ओके नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर ऑफ शॉर्ट वॉल। ठीक है, नाउ बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर ऑफ शॉर्ट वॉल, सो पी बी स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई 8 माइनस एंड मोमेंट। 30 इंटू 5 स्क्वायर डिवाइडेड 8 माइनस 75 विल गेट 18.75 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किया हुआ हूँ। ठीक है, ये हमारा टैंक हुआ, दिस इज अ लॉन्ग वॉल, दिस इज अ शॉर्ट वॉल। फिक्स्ड एंड मोमेंट जो हमने फाइंड किया था वो 75 एवरी कॉर्नर, हर एक जगह पे कॉर्नर के पास कितना है 75। ठीक है, अलॉन्ग द लॉन्ग वॉल बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर जो हमने फाइंड किया था 60 ये वाला देखिए 60 किलो न्यूटन इंटू मीटर, और अलॉन्ग द शॉर्ट वॉल 18.75। अलॉन्ग द शॉर्ट वॉल बेंडिंग मोमेंट एट द कॉर्नर 18.75, शॉर्ट वॉल एट द सेंटर 18.75, लॉन्ग वॉल बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर 60। ठीक है,
अब डिज़ाइन करते हैं डिज़ाइन ऑफ लॉन्ग वॉल। निगेटिव मोमेंट एट द कॉर्नर 75, ये देखिए अलॉन्ग द लॉन्ग वॉल निगेटिव मोमेंट 75, पॉजिटिव मोमेंट एट द मिड स्पैन 60 किलो न्यूटन इंटू मीटर, वही हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, डायरेक्ट टेंशन इन लॉन्ग वॉल इसका फॉर्मूला है गामा इंटू एच माइनस एच, ये हाइट पोर्शंस हैं, इंटू बी बाई टू। ठीक, गामा इक्वल टू 10, ये क्या है, यूनिट वेट ऑफ द वाटर, वाटर का डेंसिटी कितना है 1000, ओके इसको किलो न्यूटन में वो कन्वर्ट किया है तो 10 आ जाएगा। ये लॉन्ग वॉल है, ओके दिस इज अ लॉन्ग वॉल, सेंट्रल टेंशंस वॉट एवर वी हैव फाइंड हियर डायरेक्ट टेंशंस। ठीक है, थिकनेस ऑफ द वॉल टोटल कितना है 300, सो आधा जब करेंगे तो 150, ओके और ये हमारा हो गया रीइंफोर्समेंट। सो रीइंफोर्समेंट से लेके यहाँ तक मिड पॉइंट तक इनको हमने एक्स एज्यूम किया है, ओके वी हैव एज्यूम एज एक्स, सो एक्स इजकल टू 150 माइनस 40, 40 कौन सा है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक कवर इसका जो हमने पहले एज्यूम किए थे, सो 150 माइनस 40 इजकल टू 110 mm। नाउ वी आर गोइंग टू डिजाइन मोमेंट एट द कॉर्नर ऑफ द लॉन्ग वॉल। डिजाइन मोमेंट एट द कॉर्नर ऑफ द लॉन्ग वॉल एम डी इक्वल टू एम, निगेटिव मोमेंट है माइनस टी टेंस डायरेक्ट टेंसर्स इंटू एक्स, ये एक्स, सो 110 mm है, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया, सो डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो मीटर में आ जाएगा, ये ऑलरेडी किलो न्यूटन इंटू मीटर है। ठीक है, सो 66.75 किलो न्यूटन इंटू मीटर निगेटिव मोमेंट, ये हमारा आंसर आया। ठीक है, आफ्टर कैलकुलेशन एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर डिजाइन मोमेंट AST1 इक्वल टू MD डिवाइडेड बाय गामा ST इंटू J इंटू D, सब्स्टिट्यूट किया है वैल्यू यहाँ पे, मोमेंट हमने जो फाइंड किए थे इससे पहले। ठीक है, डिजाइन ऑफ मोमेंट एट द कॉर्नर ये वाला के बाद गामा ST 130 इंटू 0.87 J वैल्यू एंड डी 260, ये 260 क्या है 300 थिकनेस ऑफ द वॉल, 300 माइनस इफेक्टिव कवर 40 mm, सो 260। अब इसको कैलकुलेट करके कैलकुलेशन करने के बाद कितना आया आंसर, AST1 इक्वल टू डबल 27, ठीक है 2270 mm². अब दूसरा क्या है, एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट टेंशन AST2, इससे पहले क्या था डिजाइन मोमेंट, एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर डिजाइन मोमेंट, अभी एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट टेंशन। ठीक है, AST1 AST2, सो फार्मूला क्या है T डिवाइडेड बाय टेंशन डिवाइडेड बाय सिग्मा ST 130 75 इंटू 10³ डिवाइडेड बाय 130, इसको mm में, ये पहले 75 किलो न्यूटन इंटू मीटर था, मीटर को इसको mm में कन्वर्ट किया मिलीमीटर, सो दिस ओके। अब एडिंग द AST1 एंड AST2 टोटल एरिया, सो टोटल एरिया AST1 AST इक्वल टू AST1 प्लस AST2, सो वी गॉट दिस मच ऑफ एरिया। ठीक है, अब एज्यूम करते हैं हम 20 mm ऑफ डाया, एज्यूमिंग 20 mm डाया ऑफ स्टील, एज्यूमिंग 20 mm डाया ऑफ स्टील, सो एरिया ऑफ 1 बार 20 mm डाया है ना, पाई इंटू D² डिवाइडेड बाई 4, पाई D² बाई 4, सो डाया कितना है 20, इतना इंटू इतना स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 314 mm² आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब स्पेसिंग, हमने एरिया फाइंड कर लिया टोटल एरिया, उसके बाद 20 mm ऑफ डाया एज्यूम किया है हमने इधर, और एक स्टील का एरिया कितना होता है वो हमने कैलकुलेट किए, ओके आफ्टर कैलकुलेशन दैट वी आर गोइंग टू फाइंड स्पेसिंग्स, ओके सो स्पेसिंग
ये ए बार, इसका फॉर्म हो गया ए बार के डिवाइडेड बाय ए एस टी, ये बी, ठीक है। सो वी आर गेटिंग वैल्यू दिस मच। नाउ हेंस प्रोवाइड 20 mm डाया बार एट 110 mm सेंटर टू सेंटर at support on inner face and curtailing of the bar from at a distance of 1 meter from the support. Designing bending moment at mid span. Formula is m minus t into x. So after substituting the value, we are getting the answer 51.75 kilonewton meter bending moment at mid span. Now area of steel required for design bending moment. For design bending moment, AST1 equal to AST formula is M divided by sigma AST into J into D. After substituting the value, we are getting AST1 equal to 1760 mm². एक बार हम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करते हैं, फिर वही बेंडिंग मोमेंट का जो फॉर्मूला हो, सॉरी आंसर जो होता है, वही मोमेंट हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। ये सब फाइंड करने के बाद, ए एस टी वन फाइंड होने के बाद, ए एस टी टू, एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट टेंशन, ए एस टी टू इक्वल टू 75 × 10³ डिवाइड बाई 130। ये फॉर्मूला क्या है, ये पहला फॉर्मूला है टी डिवाइड बाई सिग्मा एस टी। सो ए एस टी टू हमने फाइंड कर चुके हैं, ए एस टी वन हो गया, ए एस टी टू हो गया। अब टोटल ए एस टी, टोटल एरिया ए एस टी इक्वल टू एस टी वन प्लस ए एस टी टू इक्वल टू दिस मच ऑफ वैल्यू। हमने एरिया ऑफ स्टील फाइंड कर लिया, अब 20 mm ऑफ स्टील ये हम एज्यूम करते हैं, फिर इसका एरिया ऑफ वन बार ऑफ स्टील फाइंड करते हैं, ठीक है। सो एरिया ऑफ वन स्टील बार इक्वल टू 314 आएगा, और स्पेसिंग इक्वल टू एरिया ऑफ वन स्टील बार इंटू 1000 डिवाइड बाई ए एस टी। सो वी आर गेटिंग वैल्यू दिस मच, 1343.36, 134.36 mm। सो अप्रोक्सीमेटली वी आर टेकिंग 130 mm। देयरफॉर प्रोवाइड 20 mm डाया बार एट 130 mm सेंटर टू सेंटर एट मिड स्पैन। नेक्स्ट डिजाइन कैंटीलेवर एक्शन। हमने फ्रेम एक्शन डिजाइन कर लिए, अब डिजाइन ऑफ कैंटीलेवर एक्शन। फॉर 1 meter हाइट फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, सो मोमेंट पहले फाइंड करेंगे, मोमेंट बेस इक्वल टू 1/2 गामा एच कैपिटल एच, दैट इज द हाइट ऑफ द वॉल, इंटू ए स्मॉल एच इंटू एच बाई 3। सो आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू वी आर गेटिंग द आंसर 6.67 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ओके। नेक्स्ट एरिया ऑफ वर्टिकल स्टील रिक्वायर्ड, दैट इज द इनर फेस ऑफ द टैंक। इफेक्टिव डेप्थ फॉर दिस स्टील इज इक्वल टू 260 - 10 - 10 इक्वल टू 240 mm। AST इक्वल टू 6.67, अभी जो हमने मोमेंट फाइंड किया था मोमेंट बेस, वही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इंटू 10⁶ वो किलो न्यूटन इंटू मीटर है, इसको हम न्यूटन मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 10 × 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिलीमीटर में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 130 × 0.87 × 240 = 246 mm². नाउ मिनिमम स्टील, हमको मिनिमम 0.35% मिनिमम स्टील और रखना होता है। सो मिनिमम स्टील 0.35% ऑफ एक्स सेक्शनल एरिया, 0.35 डिवाइडेड बाई 100 × 1000 × 300 mm क्या है, थिकनेस ऑफ द वॉल। वी गेटिंग द वैल्यू 1050 mm², दैट इज मोर देन 256 mm², हेंस ओके। प्रोवाइड हाफ स्टील ऑन ईच फेस, दैट इज 525 mm², 1050 का आधा करेंगे तो हमें इतना आएगा, ठीक है। सो प्रोवाइड 10 mm बार, 10 mm डाया बार एट 140 mm सेंटर टू सेंटर ईच फेस, इनर फेस एंड आउटर फेस, ओके।
So how we got that 140 mm? 10 mm का डाया बार हमने एज्यूम किया है, उसके बाद 10 mm का डाया बार और एरिया ऑफ स्टील हमको फाइंड हो चुके हैं, टोटल एरिया इतना है और हाफ हमको इतना मिला 525, एरिया फाइंड हो गया। अब हमें स्पेसिंग फाइंड करना है, तो स्पेसिंग के लिए एरिया ऑफ वन बार इक्वल टू 78.5 mm स्क्वायर, स्पेसिंग 78.5 इंटू 1000 डिवाइड बाई 525, वी गॉट 149.5। तो 149.5 हम एग्जैक्टली उसमें नहीं रख सकते स्पेसिंग मेजरमेंट करके, तो हमने एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेटली 140 mm लिए हैं, अडॉप्ट किए हैं। नाउ डिज़ाइन ऑफ शॉर्ट वॉल, मोमेंट एट द कॉर्नर ऑफ शॉर्ट वॉल इक्वल टू 75 kN, मोमेंट एट द सेंटर ऑफ द शॉर्ट वॉल 18.75 kN·m। ठीक है, इतना हमने पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, वही वैल्यू यहाँ पे रखे हैं। नाउ डायरेक्ट टेंशन इन शॉर्ट वॉल, इसका फॉर्मूला है गामा इंटू हाइट कैपिटल H माइनस H, ये कौन सा हाइट है, कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन जहाँ पे लोड है वो वाला हाइट है ये, इंटू L बाई टू, सो वी गॉट वैल्यू 90 kN। नाउ डिज़ाइन मोमेंट एट कॉर्नर ऑफ शॉर्ट वॉल, ठीक है, इसका फॉर्मूला है m माइनस टी इंटू एक्स, 75 - 90 इंटू 110 डिवाइड बाई 1000 इक्वल टू 65.1 डिवाइड बाई 1000, इसलिए हमने किया ये मिलीमीटर में है, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइडेड बाई 1000 से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, सो 65.1 kN इंटू मीटर, दैट इज़ अ निगेटिव मोमेंट। नाउ डिजाइन मोमेंट एट मिड स्पैन ऑफ शॉर्ट वॉल, इसका भी फॉर्मूला सेम है m माइनस टी इंटू एक्स, मगर डिजाइन मोमेंट एट मिड स्पैन, इसका मोमेंट कितना है मिड स्पैन के लिए 18.75, यहाँ पे देखिए 18.75 माइनस 90 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 1000 वी गॉट 8.85 kN इंटू मीटर। एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड एट द कॉर्नर ऑफ द शॉर्ट वॉल, सो दिस इज़ द फॉर्मूला m डिवाइडेड बाई सिग्मा st इंटू JD, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू वी आर गेटिंग द आंसर AST1 इज इक्वल टू 2214 mm स्क्वायर। नाउ फाइंडिंग एरिया ऑफ स्टील फॉर द डायरेक्ट टेंशन, यहाँ पे क्या था एरिया ऑफ द स्टील रिक्वायर्ड द कॉर्नर ऑफ द शॉर्ट वॉल, ये डायरेक्ट टेंशन, हाँ, सो दिस इज द सेम फॉर दिस इज द फॉर्मूला t डिवाइडेड बाई सिग्मा st, सो आई गॉट द वैल्यू दिस मच, आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू आई गॉट AST2 इज इक्वल टू 693 mm स्क्वायर। अब AST1 और AST2 दोनों को ऐड करेंगे और टोटल एरिया फाइंड करेंगे, सो AST1 प्लस AST2 इक्वल टू 2907 mm स्क्वायर, एरिया हमने फाइंड कर लिया है। अब एज्यूम करते हैं डायामीटर ऑफ स्टील, सो एज्यूमिंग 20 mm डाया ऑफ स्टील डाया बार, ओके स्पेसिंग फाइंड करते हैं, कितना स्पेसिंग में 20 mm डाया बार यूज करेंगे, सो स्पेसिंग इज इक्वल टू 314 × 1000 डिवाइड बाई 2907, दिस इज द एरिया ऑफ स्टील दिस, एंड दिस इज फॉर द 1 मीटर डिस्टेंस 314, दिस इज एरिया ऑफ 1 स्टील बार ऑफ 20 mm डाया, ओके सो वी गेटिंग 108 mm, सो अडॉप्टिंग 100 mm, हेंस प्रोवाइड 20 mm डाया बार एट 100 mm सेंटर टू सेंटर एट सपोर्ट ऑन इनर फेस, सेम एज प्रीवियस एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड एट द मिड स्पैन 8.85 × 10⁶ डिवाइडेड बाई 130 × 0.872 × 260, हाँ 8.85 जो हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किए थे वो वाला × 10⁶, 8.85 kN इंटू मीटर था, उसको हम न्यूटन इंटू मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, सो 10⁶130 सिग्मा ST इंटू J इंटू D डेप्थ, सो गॉट द वैल्यू 301 mm स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर द डायरेक्ट टेंशन, T टेंशन डिवाइडेड बाई सिग्मा ST, सो गेटिंग द वैल्यू 693 mm स्क्वायर,
AST1 plus AST2 equal to AST, we're getting the total area this much. 994 millimeter square area जो है हमको minimum 1050 mm square होना चाहिए, उतना नहीं आ रहा है, उससे कम है. Minimum steel 0.35% of the x sectional area equal to इतना होना चाहिए, इतना नहीं हो रहा है, इसलिए हमने 12 mm bar assume करके spacing find करके 100 mm center to center में outer face में design किया है. ठीक है, so hence provide 12 mm bar at 100 mm center to center outer face. Now vertical reinforcement for the cantilever action is same as for long wall. 10 mm dia bar at 140 mm center to center both face on the wall. यहाँ पे हमने design किए थे design cantilever actions. ठीक है, same यही value यहाँ पे हमने find किए हैं. Provide 10 mm bar at 140 mm center to center each face. ये हमने find किए थे long wall के लिए for the cantilever actions. और short wall जो है वो वहाँ पे पूरा cantilever action ही occurs होगा, इसलिए वहाँ का design same as it is रहेगा. ठीक है, same यही value substitute करना है. यहाँ पे क्या लिखा है, वर्टिकल रीइंफोर्समेंट फॉर द कैंटिलीवर एक्शन इज सेम एज फॉर लॉन्ग वॉल. मतलब हमने लॉन्ग वॉल में जैसा डिज़ाइन किए थे वैसा ही सेम एज इट इज शॉर्ट वॉल में वर्टिकल रीइंफोर्समेंट ऐसे यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ऐसा डिज़ाइन करना है, इसका मतलब यह है. नाउ बेस स्लैब. बेस स्लैब मीन्स बेस स्लैब ग्राउंड पे रेस्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे उतना लोड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा डिजाइन करने की भी ज़रूरत नहीं है. सो हेयर यू कैन सी टैंक इज रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड प्रोवाइडिंग अ मिनिमम थिकनेस ऑफ 150 mm ऑफ स्लैब ओवर अ लीन कंक्रीट बेस. लीन कंक्रीट बेस मीन्स जो PCC का लेवल होता है उसके ऊपर में 150 mm थिकनेस होना चाहिए जो हमने एज्यूम किया है. ठीक है, सो एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड एरिया ऑफ स्टील मिनिमम इक्वल टू 525 mm square. ये 525 mm square कैसे आया, यहाँ पे देखिए ST मिनिमम इक्वल टू 0.35% ऑफ एक्स सेक्शनल एरिया. सो 1000 mm दैट इज अ 1 meter width that we have taken and 150 mm दैट इज द डेप्थ ऑफ द स्लैब. सो यू गॉट 525 mm square एरिया ऑफ स्टील. नाउ फॉर बोथ ईच फेस उसको हमने आधा कर दिए, दोनों एक एक फेस के लिए 262.5 रहेगा और अनदर फेस के लिए 262.5 रहेगा, जस्ट ए टोटल डिवाइडेड बाय हाफ. ओके, सो नाउ एज्यूमिंग 8 mm डाया बार सेम एज प्रीवियसली फाइंडिंग द स्पेसिंग ऑफ 8 mm डाया बार वी गॉट द वैल्यू 191.39 approximately and exactly we are taking 180 mm, we are adopting this value and hence providing 8 mm dia bar at 180 mm center to center. This is our design value. Long wall, short wall. Long wall 6 meter, short wall 5 meter. Okay. लिक्विड स्टोरेज टैंक में हमेशा जो हॉरिजॉन्टल बार होता है वो लोड रेसिस्ट करने में हमेशा वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इनर फेस वाला ज़्यादा लोड रेसिस्ट करते वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ओके, और कॉर्नर पे देखिए, कॉर्नर पे हमेशा यहाँ पे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट होते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोमेंट होते हैं. सो हमेशा इनर फेस में डाया ऑफ स्टील ज़्यादा होना चाहिए और स्पेसिंग कम होना चाहिए. जैसे अभी हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है, दिस इज़ अ हॉरिजॉन्टल बार फ्रॉम हियर टू हियर 1 meter, 1 meter डिस्टेंस
20 mm at 110 mm center to center. Okay, this is the vertical, this is the horizontal, and this is the mid span, this is the mid bar. Okay, middle wala bar dekhi, aisa. Thickness of the wall is 300 mm. Okay, so from here support to 1 meter distance, this steel bar is 20 mm at 110 mm center to center. Then after that, this bar, this is the middle bar, and this bar, that ye vertical bar hai, vertical bar, inner face, outer face, inner face and outer face both are 10 mm at 140 mm center to center. And this is a horizontal bar and mid span bar, 20 mm at 220 mm center to center. सेम यही बार जो हमने डिजाइन किया है वही है, मगर हमने यहाँ पे क्या स्पेसिंग डबल कर दिए हैं. सेम इस जैसा इस तरफ से इस तरफ आते हैं वैसा ही इस तरफ से इस तरफ सेम वैसा ही रहेगा. देखिए 20 mm at 110 mm center to center up to the 1 meter distance, and after that 20 mm at 130 mm center to center distance, this is the horizontal bar. ठीक है, ये horizontal bar है outer face, and this is the horizontal bar mid span inner face. अब short wall में आते हैं. short wall में क्या है, from support to 1 meter distance 12 mm bar at 200 mm center to center, और mid span में क्या है 12 mm bar at short wall में inner face horizontal bar at the mid span 20 mm at 200 mm center to center, and outer face 12 mm bar at 100 mm center to center middle bar, और vertical बार जो है सब 10 mm एट 140 mm सेंटर टू सेंटर रहेगा, कम्प्लीटली अप टू सेंटर टू मिडल, फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर. सेम एज इट इज दिस वॉल एंड सेम एज अ लॉन्ग वॉल फ्रॉम हियर टू हियर. दिस इज द इंटायर डिजाइन ऑफ द टैंक वॉल व्हिच एवर वी हैव डिजाइन. दिस इज द वैल्यू. Thank you for watching the video.